गाना सही। आप में से बहुत लोग मुझे जानते होंगे एज शाहरुख खान अंजलि फ्रॉम कुछ कुछ होता है। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितने फेमस है। मेरी फिल्म की रिलीज होने के कुछ साल आसपास एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसने चाइल्ड आर्टिस्ट काव्य राव को रातों रात एक हाउसहोल्ड नेम बना दिया था। शी बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर, स्कूल में सब उसके दोस्त बनना चाहते थे एंड देन इन कॉलेज शी वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन। वैसे फेम के साथ अटेंशन तो मिलता ही है, आजकल पॉपुलैरिटी जज करने का एक नया तरीका है ऑनलाइन फैन बेस। हाउ फेमस अ सेलिब्रिटी इज कैन बी मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ लाइक्स एंड क्लिक्स देयर वेबसाइट हैज। एक जमाने में लोग अपने मनचाही एक्टर से मिलने के लिए उनके घर के बाहर लाइन बनाते थे, पर आज सोशल नेटवर्किंग की इस दुनिया में अ पब्लिक पर्सनालिटीज पर्सनल लाइफ इज जस्ट अ क्लिक अवे। हर सेलिब्रिटी अपने फैंस के लिए रीचेबल है, काव्य भी। तो ये कहानी है उन यंगस्टर्स की हुज लाइफ चेंज्ड बिकॉज़ ऑफ वन मिस्टेक ऑन द वेब। क्या मां, हमेशा बैठकर मेरा शो देखती रहती हो। आई लुक सो फैट। कहां बेबी, इतनी स्मार्ट तो लग रही हो। बी पॉजिटिव। अच्छा लिसन, कल भी ना यही स्ट्रेट बाल वालों वाला लुक रखना प्लीज। कल मुझे शूट पे नहीं जाना है। नो नो नॉनसेंस टॉलरेटेड। अब चलो जल्दी करो, जल्दी जाके सो जाओ, अर्ली मॉर्निंग तुम्हारा शूट है। ओके। और बेबी, रूम में जाकर अब सारी रात कंप्यूटर पर मत लग जाना। माँ, लाइफ में ना सोने से भी बेटर बहुत सारे काम है, और मैं अपनी 1/4 लाइफ ना सोकर वेस्ट करना नहीं चाहती। जा रही हूँ। बेबी, जो लोग अपनी जिंदगी का 1/4 नींद में इन्वेस्ट करते हैं ना, उनकी जिंदगी का बाकी 3/4 बड़े आराम से गुजर जाता है। हाँ माँ। गुड नाइट। बाय बेबी। टू न्यू फेक प्रोफाइल्स। लोग के पास और कुछ नहीं है लाइफ में जो काव्या बनना चाहते हैं। हाय, आई एम रोहित, बिग फैन ऑफ योर्स। आई होप यू नॉट स्लीपिंग ऑलरेडी बिकॉज देयर आर बेटर थिंग्स टू डू रादर देन स्लीपिंग 1/4 ऑफ योर लाइफ। आई थिंक यू शुड मीट माय मदर। लाइक योर स्ट्रेट हेयर डू बट लव योर नेचुरल कर्ल्स। यही तो मैं सबको कहती हूँ, मेरी बात कौन सुनता है। हाउ डू यू फील व्हेन 23 अदर पीपल वॉन्ट टू बी काव्या? हाउ डू यू नो आई ain't fake either? I'm a big fan of yours, following you since Ajnabi Rishte. So, I've read all your pages, interviews and articles, and yours is the only profile which matches all the details. Impressive. But I'm just a fan of hers, like you. So you are the real Kavya. Dude, I said I'm not Kavya, just a fan of hers. You see, that's what debuted up. Every one of those 23 fake profile wants to be Kavya. Just filter of fake ones. So what do you want? Greeting card? An autograph? Or personal interview? I want to meet you. I want to meet you just to see how real Kavya looks like. Sorry, busy with shoots and meetings. I'm sorry. Don't be. I'm not offended.
I'm sorry, you don't have time for yourself. Got to go. Bye. बस ये सारी बातें हुई मेरी, ऐसे लड़कों से बच के रहना। मतलब बैठ, तुमने सुना तो होगा ही, ऐसे लड़कों को लड़कियों से सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है। ओ प्लीज, वो इस तरह का लड़का नहीं है। आई कैन टेल। ओह माय गॉड, तुम्हें उसे एक ही दिन में प्यार भी हो गया? व्हाट नॉनसेंस। इज ही हॉट? क्या तुम्हें उसके साथ वन नाइट स्टैंड करना है? और आगे से याद रखना, इस तरह की बातें मुझसे मत करना, समझे तुम? कट, नाइस शॉट, चलो नेक्स्ट शॉट। मैडम, ये आपके लिए बुक है। You too, Rohit. No, it's a break. All the best. I'm sure your dream will come true soon. Got to go. Break over. भले वो शुरू में उनके हजारों में से एक अनजाना फैन था, लेकिन अब रोहित में काव्यों को वो नजर आया जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी. A friend who could look beyond her stardom and like her for who she was and not just what she was. काव्य भी रोहित को पसंद करने लगी थी. And she was enjoying this little secret, जिसने उसकी otherwise dull और boring life को excitement में भर दिया था. क्या बात है? बहुत खुश लग रही हूँ. Welcome change. Platinum agency से DO के ad के लिए एक बड़ा offer आया है. It's a big campaign. I think you should do it. बहुत पब्लिसिटी मिलेगी तुम्हें. माँ, आप तो जानती है कि मेरा स्केड्यूल कितना हेक्टिक है, उसके बाद ये एड फिल्म के लिए टाइम कहाँ से मिलेगा? यू डोंट वरी अबाउट दैट. मैंने तुम्हारे टीवी प्रोड्यूसर से बात कर ली है, वो लोग शूट मैनेज कर लेंगे. आई मीन, पहले दो दिन तुम्हें ज्यादा शूट करना पड़ेगा, लेकिन थिंग्स विल वर्क आउट. मतलब सब मैनेज. आज तुम्हारा नया डीओ का एड देखा, क्वाइट इंफॉर्मेटिव. मैंने डीओ भी खरीद लिया है एंड आई डिड बिकम इररेसिस्टेबल टू द लेडीज अराउंड मी. मजाक मत करो, आई एम फेड अप ऑफ पोजिंग एंड स्माइलिंग. जस्ट टेक अ ब्रेक, फिर मजाक, शूटिंग रुक जाएगी. तो रुक जाए.
लाइफ एक जगह पर रुक जाए उससे तो अच्छा है कि शूटिंग ही रुक जाए। हे बेबी, अब तक सो रही हो? कम ऑन गेट अप, यू गेटिंग लेट फॉर द शूट। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओह गॉड, क्या हुआ बेबी? माय स्टमक इज बैडली अपसेट और रात को दुबारा वॉमिट भी हुई। तो तुमने मुझे रात को उठाया क्यों नहीं? ओके, यू डू वन थिंग, मैं प्रोडक्शन हाउस में इन्फॉर्म कर देती हूँ कि तुम आज नहीं आओगी एंड आई विल कॉल द डॉक्टर। नहीं नहीं माँ, मेरा मतलब है कि डॉक्टर को कॉल कर दिया है और मेडिकल शॉप पर भी कॉल कर दिया है, मेडिसिन आ जाएंगी। बेबी आई डू वन थिंग, मैं आज अपनी सारी बिजनेस मीटिंग्स कैंसिल कर देती हूँ और तुम्हारे साथ घर पर ही रुकती हूँ। नो नो नो, आई मीन आई विल बी फाइन, और अगर कुछ होगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। आर यू श्योर? हाँ माँ। ओके, देन यू टेक रेस्ट। ओके, लव यू बेबी, टेक केयर। Excuse me, Rohit? Yes? Hi, how are you? You sit here, please. Idhar aa jao. See you there, please. Sorry. Ek coffee. Aap kya peoge? दो कॉफी दो। ये बुरका? ओह हाँ, आई नो, अपने फैन से जीतने के लिए। वेरी नाइस। तो क्या प्लान है आज का? प्लान तो सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा नहीं। काव्या, where were you? Even your mobile was not reachable. और ये क्या पहन रखा है तुमने? वो माँ, एजेंसी से ना प्रशांत का फोन आया था, एक ऑडिशन था मुस्लिम कैरेक्टर के लिए, और मेरी भी तबीयत ठीक लग रही थी तो
तो मैं चली गई। So you should have told me, baby. तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स के डेट्स मैं ही ऑर्गेनाइज करती हूँ। Then? हाँ, सॉरी मॉम, मुझे लगा कि आप बिजी होंगी इसलिए कॉल नहीं किया। अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जाकर सो जाती हूँ। आप भी सो जाइए, ओके? गुड नाइट माँ। हेलो। या हाय प्रशांत, आज तुमने काव्या को किसी ऑडिशन के लिए बुलाया था? नहीं मैम, मैंने तो नहीं बुलाया। ओके, मैम शॉट रेडी है। आ रही हूँ। ऑडिशन था मुस्लिम कैरेक्टर के लिए और मेरी भी तबीयत ठीक लग रही थी तो चली गई। काव्या, कहाँ जा? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। जी सर। क्या हो रहा, देखो यार कहाँ गए वो? How dare you, ma? You spying on me now? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की? इंटरफेयर? Oh come on काव्या, तुम मेरी बेटी हो और किसी भी माँ की तरह आई एम जस्ट प्रोटेक्टिंग यू। एंड माइंड यू, मैंने जो भी किया है यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि लड़के क्या चाहते हैं। श्योर रॉन्ग माँ, रोहित ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरी लाइफ में सिर्फ वही है जिसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए। आप भी ऐसी नहीं है, आपको तो मुझसे ज्यादा मेरी करियर की टेंशन रहती है। होश में तो हो काफिया? तुम्हारा फेम, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा करियर, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है बेटा। तुम्हारी कमाई से जो भी पैसे आते हैं वो तुम्हारे नाम पर फिक्स डिपॉजिट में रखे जाते हैं। एंड यू नो दैट। ओ प्लीज माँ, एक चीज चाहिए मुझे जिससे खुशी मिलती है, आप उसे भी मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हैं। Where are you? मैम आपका शॉट रेडी है। सॉरी काव्या फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग यू, रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि पुणे में था इंटरव्यू के लिए। अच्छा हुआ सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। एनीवेज वुड लाइक टू मीट यू अगेन। मैं भी।
और फिर ना मैं बचपन से यहाँ पे बड़ा हूँ और उसके बाद आओ ना ये है मेरा मोहल्ला चले हाँ अरे ये तो राधिका दीदी टीवी पे आती है अरे ये तो राधिका दीदी हाँ 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 यही है राधिका यही है राधिका पहली बार किसी सेलिब्रिटी को आमने सामने देखा इसलिए इतना एक्साइटेड हो रहे हैं बुरा मत मानना अरे खेलो जाके चलो जाओ आप वही हो ना जो टीवी सीरियल में आते हो हाँ ये प्लीज बाद में प्लीज बाद में यही है हमारा छोटा सा मोहल्ला इट्स परफेक्ट यू थिंक सो क्या मम्मी ये मेरी फ्रेंड राधिका तुम राधिका हो ना क्या मम्मी तुम भी मोहल्ले के बच्चों की तरह शुरू हो गई इसका असली नाम काव्या है चुप कर मेरे लिए तो राधिका ही है ना अरे बेटी तुम बाहर क्यों खड़ी है अंदर आजा 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 नहीं सुंदर है कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट है हाय कहाँ बैठाऊं तेरे को यहाँ बैठ जा यहाँ बैठ अरे बैठ जा बैठ जा अरे कोई ने मुझे बताया नहीं कि वो तुझे पहले से जानता है So, how was your day? ठीक था माँ मोना के साथ शॉपिंग के लिए गई थी अपनी माँ से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है बेटा मैं जानती हूँ तुम रोहित से मिलने गई थी नहीं मैं जासूसी नहीं कर रही हूँ तुम्हारी मोना का फोन आया था जस्ट बिकॉज योर फोन वॉज स्विच्ड ऑफ अब जाहिर है जब तुम झूठ बोल ही रही हो तो किसी ना किसी के लिए तो बोल रही होंगी पता था तो पूछ क्यों रही थी माँ मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं काव्या मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूं मैं नहीं चाहती कि आगे चल के तुम कोई ऐसा डिसीजन लो जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े माँ लाइफ में पहली बार मैं खुद कोई फैसला ले रही हूं और उसके बाद नतीजा कुछ भी हो आई विल फेस इट तो बुलाओ उसे मुझसे मिलने के लिए सिर्फ तुम्हारे लिए मिलना चाहूंगी मैं उससे बट नो प्रोमिसेस थैंक यू मॉम थैंक यू मैम आजकल आर्किटेक्ट्स को ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल है क्या लगता है तुम्हें यस मैम यू आर राइट लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ बहुत जल्दी कोई अच्छा ब्रेक मिल जाएगा मेरे सवाल का बुरा मत मानना लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारी फैमिली इनकम क्या है इट्स ओके काव्या मेरे पापा की एक स्वीट शॉप है अभी वो फैमिली के अकेले अर्निंग मेंबर हैं सारा एक्सपेंडिचर निकाल के अराउंड 30,000 सेव हो जाता होगा कभी कुछ ज्यादा कभी कुछ कम क्या तुम जानते हो काव्या की एक दिन की इनकम क्या है नो मैम अभी नहीं मालूम है लेकिन कल मालूम हो जाएगा तुम क्या चाहते हो काव्या तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कमा के खिलाए मैम मुझे और मेरी फैमिली को काव्या के पैसे नहीं चाहिए आप ऐसा सोच भी कह सकती हैं मुझे सोचना पड़ेगा काव्या बट यू आर नॉट थिंकिंग ये सब कितना डिफिकल्ट होगा ये लड़का तुम्हारी लाइफस्टाइल हैंडल कर पाएगा नो ये इंटरनेट पे हाय हेलो कर देना एक साथ में घूम फिर लेना बस यहीं तक ठीक है ये सब और यहीं पर ही खत्म हो जाना चाहिए और तुम ना तो मेरी बेटी को सपने दिखाओ और ना ही खुद सपने देखो शी इज जस्ट अ किड मत बहकाओ उसे तुम ये क्या कह रही हैं आप माँ I'm sorry, ma'am, लेकिन
एज आई सी कि आपको पैसों के आगे कुछ नहीं दिखता ना. नो वंडर योर डॉटर क्रेज़ फॉर लव. हाउ डेयर यू. आई एम सॉरी काव्या. मां रोहित, रोहित मेरी बात सुनो. काव्या मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी फैमिली को हमारा प्यार समझ में नहीं आएगा. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. मां वंस एंड फॉर ऑल आज के बाद तुम इस लड़के से कभी नहीं मिलोगी. हाउ मेनी टाइम शुड आई टेल यू ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है. ये इंटरनेट विंटरनेट सब बंद. जस्ट फोकस ऑन योर शूट्स. काव्या का सपना उसकी आंखों के सामने टूट रहा था. She could not imagine her life without Rohit. उसने फैसला कर दिया कि रोहित से अलग उसे अब कोई नहीं कर सकता. Not even her mom. सिंधु तोड़ा मम्मी जी काव्या अपने सपनों के पीछे चल पड़ी थी और सपने मानो उसके पीछे चल रहे थे. शायद वो इतनी खुश पहले कभी नहीं थी. She was on top of the world. काव्या को यकीन हो गया था कि सपने सच होते हैं. There was nothing that she wanted more than this. लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता. फिल्मों और टीवी शोज की कहानियों की तरह असल जिंदगी भी उतार चढ़ाव से भरी होती है और यही उतार चढ़ाव अक्सर सपनों की गाड़ी को पटरी से उतार देते हैं. काव्या too had started feeling the bumps. काव्या हाँ अच्छा लगता है कि मम्मी जी सारा दिन काम करती हैं, तुम जरा भी हाथ नहीं बटाती हो.
तो तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि लेट नाइट शूट के बाद मैं जल्दी उठ जाया करूं? मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मुझे तुम्हारे लेट नाइट शूट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ठीक है, उनसे कह देती हूँ कि तुम्हारे हिसाब से शूट किया करें। पहले कितनी लेट नाइट शूट छोड़ी थी पता है, प्रोड्यूसर से भी इतनी लड़ाई हुई। वैसे भी रात को नींद कहाँ आती है, इतने मच्छर हैं, एसी भी नहीं है। तुमसे कहा है ना कि मुझसे पैसे लेकर एसी लगवा लो। हाँ, ताकि तुम्हारी माँ की बात सच हो जाए कि मैंने तुमसे पैसों के लिए शादी की थी। और तुम मुझे जता क्या रही हो कि मैं यूजलेस हूँ और तुम कमाती हो। कावे, तुम्हें पहले ही पता था कि हमारे घर में एसी नहीं है, ये तुमने जब नहीं सोचा था। और अगर तुम्हें एसी में रहने का इतना ही शौक है ना, तो जाओ कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर ही रह लो, वहीं रहना एसी में आराम से। सुपर हिट ड्यूट जो प्यार के राही की राधिका को बदल दिया गया है, क्या आप हमें बता सकते हैं कैसा क्यों हुआ है? उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से, क्योंकि वो कभी टाइम पर नहीं आती जिससे क्रू में काफी प्रॉब्लम होता था, और उनके डेट्स का भी काफी प्रॉब्लम होने लगा था, इसलिए हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हमें उन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए। तो देखा आपने, शो के लीड काव्य राव के अनप्रोफेशनल बिहेवियर से तंग आके प्रोड्यूसर्स ने उन्हें सीमा दीक्षित से रिप्लेस कर दिया गया है। सैक्रिफाइसेस की लंबी लिस्ट में अब काव्य का करियर भी जुड़ चुका था, पर आज भी एक खूबसूरत रिश्ते के सामने ये कीमत बहुत कम थी। लेकिन काव्या जानती थी कि वो रिश्ता भी अब कमजोर पड़ने लगा है। वो किसी भी हाल में अपने सपनों को बचाना चाहती थी। She wanted to relive her dreams again. कोई काम है तुम्हें मेकअप करने के अलावा? Are you drunk? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चलो निकलो यहाँ से। कि तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? शॉपलेस होना काफी नहीं था जो तुम ड्रंकर भी बन गए हो? तमीज से बात करो मुझसे, पति हूँ मैं तुम्हारा, नौकर नहीं हूँ। और तुम्हारे पास कौन सी नौकरी है, निकाल दिया ना तुम्हें। रोहित चुप। I'm sorry, Kavya. I don't know what happened to me. Please, मुझे माफ कर दो। रोहित भाई, आपके पापा दुकान पे गिर गए, जल्दी चलो। डेढ़ लाख की जरूरत है। पापा पहले से बेटर हैं, लेकिन डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव और अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं है। काव्या, कैन यू प्लीज हेल्प मी? अब मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, आई प्रॉमिस। डोंट वरी, फिक्स डिपॉजिट में कुछ पैसे पड़े हैं, अब काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच। तुम खाना खाने घर क्यों नहीं आए? भूख नहीं है मुझे। पापा की तबीयत कैसी है? बस अभी दवाई खा के सोए हैं। रोहित, वो 4 महीने हो गए पापा को डिस्चार्ज हुए, मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं और दुकान भी नहीं चल रही है। कोशिश कर रहा हूँ ना मैं, और ये दुकानदारी इतनी आसान है जैसा तुम्हें लगता है? रोहित, आई डिडंट मीन दिस। मेरा मतलब है कि तुम्हें इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर देने चाहिए। तुम्हारा ड्रीम था ना ड्रीम हाउस बनाना, तो ट्राई तो करना चाहिए। तुम घर जाओ प्लीज।
भाभी। शोहित। हैं? भाभी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? तुम्हें लेने आई। रोज रात को नशे में घर पर आते हो। I'm fed up of all this. लाइफ के जो ड्रीम्स सिखाए थे तुमने मुझे, कहाँ हैं वो सारे ड्रीम्स? Get hold of yourself, Rohit. कावे कोई तुम्हारे टीवी का सीरियल नहीं चल रहा है। घर जाओ यहाँ से, चलो। मैं शर्म आती कि नहीं आती? पापा बिस्तर पर हैं। मेरी सेविंग्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। और तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो? Rather taking care of your family, तुम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर अयाशियाँ कर रहे हो। कोई अयाशी अयाशी कर रहा हूँ मैं, समझी ना तुम? चलो घर जाओ। रोहित। क्या रोहित है? घर जाओ, चलो, समझी ना तुम? सीधा घर। किससे बात कर रही हो तुम? अपनी माँ से चुगली कर रही हो मेरी कि रोहित बहुत बुरा है, मारता है मुझे, हैं? चाहती क्या हो तुम मुझसे? मैं भी तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारे पैसे के पीछे भागता रहूं, तलवे चाटूं तुम्हारे? Don't you dare take my mom's name. तुम और तुम्हारी माँ दोनों एक जैसे हैं, as vain as your mother. कम से कम तुम्हारी तरफ अपनी बीवी के पैसे पलने वाले इंसान फरामोश तो नहीं है ना? जा कर रही है, क्या कहा तुमने मुझसे? हैं? तुम्हारे तुम्हारे पैसों पर पल रहा हूँ मैं? तुम छोड़ मुझे। अपने माँ के घर ही क्यों जाके रहती हो? निकलो मेरे। छोड़ो। चलो मेरे। हाँ। मुझे इसी वाला घर चाहिए ना? चल, चल। हाँ? निकल मेरे घर से। रोहित छोड़ो मुझे। रोहित। चल यहाँ से। दिखना मत मुझे इस मोहल्ले में आज के बाद। काव्या क्या हुआ? काव्या, काव्या बेटा क्या हुआ? हेलो काव्या। काव्या तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की? दिखा दी ना अपनी असली औकात। दोबारा से मेरी बेटी से बात करने की कोशिश नहीं करना। क्यों नहीं बात कर सकता? बीवी। काव्या के लिए रोहित का प्यार सच्चा था और उसको अपने किए पे पछतावा भी था। But there are some things a girl cannot forgive. काव्या ऑलरेडी उससे बहुत दूर चली गई थी और रोहित को ये बात खाए जा रही थी कि शायद आप वो वापस कभी नहीं आएगी। रुकिए। हम बात कर रहे हैं महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की। आम महिलाओं की जैसी सेलिब्रिटीज भी अब सेफ नहीं हैं। कल देर रात मशहूर टीवी एक्ट्रेस काव्या राव के सेपरेटेड हस्बैंड रोहित कपूर, जिन्होंने नशे में धुत काव्या के घर जाकर नौकरों से मारपीट की, उनकी मदर को भी काफी कुछ भला बुरा कहा। ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड्स ने
सही समय पर आकर उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उन्हीं के बिल्डिंग के एक रेजिडेंट ने इस तमाशे को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। रोहित, भाभी कहीं तुझे छोड़कर चली गई है क्या? देखा नहीं तूने टीवी पे तमाशा? मुझसे क्या पूछ रहा है? हाथ हटा। रोहित ये इंसल्ट सह नहीं पाया। This was the last straw. उसकी ईगो हर्ट हुई थी and he couldn't take that. He wanted Kavya to suffer. पिक्चर्स अभी तक ऑनलाइन है। टेक देम ऑफ एंड गेट द मैन अरेस्टेड। काव्या प्लीज ओपन द डोर। काव्या प्लीज ओपन द डोर बेटा। काव्या प्लीज ओपन द डोर। काव्या आई सेड ओपन द डोर। काव्या प्लीज। काव्या और रोहित की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गई। समटाइम्स लव डजंट लास्ट फॉरएवर और कुछ रिश्तों में प्राइड प्यार की जगह ले लेता है एंड दिस कैन मेक यू डू थिंग्स यू मे रिग्रेट। पुलिस ने रोहित को अरेस्ट कर लिया और वेबसाइट ने भी काव्या के पिक्चर्स डिलीट कर दिए। बट वंस समथिंग गोज ऑनलाइन इट बिकम्स इमॉर्टल। इवन टुडे काव्या की पिक्चर्स ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं। प्राइवेट पिक्चर्स ऑन योर सेलफोन कैन फॉल इनटू रॉन्ग हैंड्स एंड गेट ऑनलाइन। So please avoid this. फिर चाहे आपका रिश्ता कितना भी क्लोज, कितना भी इंटीमेट क्यों ना हो, अटेंशन, रिवेंज या फिर सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फन, आपका कोई अपना आपकी प्राइवेट पिक्चर्स को पब्लिक कर सकता है। Isn't it ironic कि इनसाइट्स को वेबसाइट कहा जाता है? वेब यानी कि जाल। So think before you click. Welcome back to MTV Web. मैं सना सईद and with me is cyber law expert विकी शाह, जो हमें साइबर सेफ्टी के टिप्स देंगे। तो वकी आप बताइए कि काव्या के केस में जो फोटोज लिए गए थे वो इतने रोमांटिक मूड में लिए गए थे। आई मीन कितनी बार हम हमारे बॉयफ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स लेते हैं, सो हाउ डू यू अवॉइड सच अ सिचुएशन? देखिए, जब रिलेशनशिप होती है तो विश्वास होता है और उस विश्वास में फोटो भी खींचे जा सकते हैं, और वो जब मिसयूज होता है तो ये सब काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। अगर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होती है तो वो अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि ऐसे फोटोज़ खींच के कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ चीज़ ऐसे प्राइवेट रहे तो बेटर है। कई बार आपके फ़ोन गुम जाते हैं तो उसमें जो फोटोज़ है कोई जिसको फ़ोन मिला है वो उसको अपलोड कर सकता है, या कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन में ऐसा फीचर है जिससे कि फ़ोटोज़ अपलोड हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो फोटोग्राफ्स है आपने आपके कंप्यूटर में स्टोर किए और किसी ने आपका कंप्यूटर यूज़ किया तो उससे भी अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंस है जहाँ से ये अपलोड हो सकते हैं। बेहतर है कि ऐसे फोटोज़ आप खींचे ही नहीं, और अगर फोटो खींचे जाते हैं तो डिलीट किए जाए। लेकिन अगर अब पिक्चर्स लीक हो गए तो उसकी क्या प्रोविजन है? हाउ डू यू सेफगार्ड योरसेल्फ? ये क्रिमिनल कंप्लेंट होती है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो इसमें जब आप अरेस्ट होती है तो बेल नहीं मिलती और इसकी सज़ा 3 साल से 5 साल तक हो सकती है और 7 लाख या 5 लाख तक की जुर्माना भी हो सकता है। तो ये प्रोविजंस ऑलरेडी कानून में है तो इसका यूज़ करना चाहिए। हमें कंप्लेन करना हो तो हम कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं? अगर सिटीज़ है तो साइबर सेल होगी, अगर अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स है तो यहाँ पे क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट होती है, तो वहाँ पे जाके इसकी कंप्लेंट की जा सकती है और वहाँ पे ऑफिसर्स है जो कॉम्पिटेंट है आपके कंप्लेंट लेने में और इसको इन्वेस्टिगेट करने में। सो थैंक यू सो मच विकी, इट वॉज रियली नाइस हैविंग यू ऑन आवर शो एंड आई एम श्योर आपने जो भी इनसाइट्स हमें दिए हैं हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब काव्या की कहानी तो खत्म हो गई पर ऐसी कई कहानियां अब तक बाकी है। Tune in again next week for another story of a youngster whose one mistake got her web.